नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर क्या सोच रहे हैं जी? मैं सोच रहा था पुलिस की वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, पुलिस की भलाई के लिए। हाँ जनाब, मैं तो कहता हूँ पुलिस की भलाई के लिए शहर में जगह जगह लोगों के चालान काटने शुरू कर दें, है जी? ओ, मेरा मतलब वो नहीं है। अच्छा जी। मैं चाहता हूँ कि अपने जिले में एक रंगारंग प्रोग्राम करवाया जाए और उसमें से पुलिस वेलफेयर फंड इकट्ठा किया जाए। पर जनाब, इसके लिए प्रोग्राम करवाने की क्या जरूरत है? जिसको जितने पैसे कहेंगे टेबल पे लाकर रख देगा, है जी? ओ बेवकूफ, लोगों को तो पता चलना चाहिए कि हमने पैसा मेहनत से इकट्ठा किया। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन सर आप किस तरह का प्रोग्राम कराना चाहेंगे? प्रोग्राम यार, मुंबई से कोई दो चार टॉप की हीरोइंस मंगवाओ, कोई जलवा शलवा हो जाए। जनाब हीरोइंस तो पैसे ही बहुत मांगती हैं, वो तो फिर हीरोइन वेलफेयर फंड हो जाएगा, है जी? चलो हमने मुंबई से कह लेना, ऐसे करो यहीं से कोई दो चार मशहूर कलाकार बुला लो और कोई स्कूल कॉलेजों से देख लो। ये ठीक है सर। हाँ, हमारे स्कूल की ड्यूटी लगी है कि पुलिस फंक्शन के लिए हम भी एक आइटम पेश करें। मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के आइटम सबसे बढ़िया हो, नंबर वन। आइटम किस तरह की होनी चाहिए? मैम कुछ हंसी मजाक की आइटम होनी चाहिए। मैडम वो जो सातवीं क्लास वाली सीटी है ना, उसकी एक आइटम रखेंगे, वो तो आपकी ऐसी बढ़िया नकल उतारती है, बहुत ही मजा आता है। भाई कुछ और सोचो, भांगड़ा, गिद्दा, बोलिया, डांस, एनीथिंग। एनीथिंग तो फिर डांस ही करवाते हैं, और डांस तो किरण भी बहुत अच्छा कर लेती है। मैडम चलिए डांस की तो छोड़िए, वो तो हम कर ही लेंगे, पर डांस के लिए ड्रेसेस की जरूरत होती है, उन ड्रेसेस का इंतजाम कौन करेगा? मैंने एसएसपी साहब से कल मिलना है, पुलिस सारा फंक्शन स्पॉन्सर कर ही रही है, पैसे इकट्ठे करने का इंतजाम भी वो कर ही रहे होंगे। देखा जनाब कैसे जगह घेरी हुई है, जैसे इनके बाप की हो। ओए तू चिंता ना कर, मैं तो भेज दूंगा इन्हें पढ़ने। ओए ये बाहर पेटियां क्यों रखी हैं? जनाब माल आज सुबह ही आया है, खाली करके अभी उठवा देंगे। अब तो उठवाएगा ही, अब सरकार खुद जो आ गई। सरकार के होते सरकारी जमीन पे कब्जा, मैं तो भेज दूं पढ़ने। जनाब हाँ। ये और देखो, ये दुकान कहाँ बाहर तक बढ़ाई हुई है। ओए ये तेरा पेट नहीं जो अपनी मर्जी से बढ़ाता जाए। हौलदार जी। जनाब कार्ड चलान 500 का। चलान रहने दो जी। चलान रहने दूं? भला कौन सी क्लास तक पढ़े हो? जनाब आठवीं क्लास तक। सिर्फ आठ? हवलदार जी। जनाब आप चलान 1000 का काट। पर वो क्यों जी? ओए दसवीं से कम मुझे आदमी पसंद नहीं। जनाब मैं दो क्लासे और पढ़ लूंगा, पर चलान रहने दो जी। देखा भेज दिया ना पढ़ने, चल फिर 500 की पर्ची कटा। लो जी ले पकड़ा रे। जल्दी कर, अपने आप गिलेंगे, तू पर्ची काट ले। हाँ जनाब ये पर्ची है किस चीज की? इसे कहते हैं पुलिस वेलफेयर फंड। जनाब हाँ ये लो 1000 रुपया और मेरी दो पर्चियां काट दो 500-500 रुपए की। हाँ, हाँ। पुलिस वेलफेयर फंड के लिए। शाबाश, देखा हवलदार इसे कितना फिक्र है पुलिस की भलाई का। जनाब फिक्र तो मुझे अपनी दुकान का है, अगर आपने वहाँ जाके डंडा घुमा दिया तो मैं तो मारा जाऊंगा। वो क्यों? ओ मेरी तो दुकान ही सारी कांच की है। गिल साहब तारीख नोट कर लो, 13 तारीख को टेंट, माइक और लाइटें सब फ्री पहुंचनी चाहिए। जी गुजारिश ये है कि 13 को तो हमने एक बहुत बड़ी शादी बुक की हुई है, 13 को तो हमारे बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। और शादी 14 को हो जाएगी। सरकार 14 को तो लड़के ने कनाडा चले जाना है। ओ मेरी बात ध्यान से सुन लो, उनसे कहो या तारीख बदल लें या लड़का बदल लें, हमें 13 को सामान चाहिए। हाँ समझ गए ना? हाँ जनाब कई दुकानदार बेचारों ने तो उधार मांग के डोनेशन दिया जी। आम दुकानदार की जिंदगी भी क्या जिंदगी है, दुख तकलीफें धक्के। साहब बहादुर आप एसएसपी हैं, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है जी। तो क्या बना एरिस्टोक्रेट वालों का? जनाब उनके बैनर भी आ गए और पैसे भी आ गए जी। वेरी गुड। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मैं एक्चुअली आप ही की वेट कर रहा था। वेलकम मैडम, वेलकम। सर अरे कोई चाय ठंडा वगैरह लाओ भाई। जी सर। नहीं नहीं मैंने पीना कुछ नहीं, मैं तो फंक्शन के बारे में डिटेल पूछने आई थी। ओ फंक्शन तो हो ही जाएगा जी, उसकी क्या फिक्र है, आप पहली बार यहाँ आई हैं, ला भी कुछ खाने को। जनाब फंक्शन के लिए ड्रेसेस वगैरह का इंतजाम हमें कहाँ से करना होगा एसएसपी साहब? ड्रेसेस जो को बनवा देते हैं, वैसे तो आपको ये साड़ी भी बड़ी जच रही है, यू आर लुकिंग फैंटास्टिक। मैं अपनी ड्रेस के बारे में नहीं पूछ रही थी, मैं आर्टिस्टों के कॉस्ट्यूम की बात कर रही थी। ओ आर्टिस्टों की ड्रेसेस, वो तो हो ही जाएंगी, उसकी क्या प्रॉब्लम है, जिसको कहेंगे स्पॉन्सर कर देगा। वही तो मैं पूछ रही हूँ, हम किसके साथ संपर्क करें? देखिए जी जब तक आप मेरे साथ संपर्क रखेंगे आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या मतलब? मेरा मतलब बात कर लेते हैं सब हो जाएगा। आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? नहीं जी तकलीफ कैसी, एक हलवाई अंदर किया हुआ है, रोज मिठाई आ जाती है। अभी राय साहब से बात करवाओ। अपने चावल वाले सर? हाँ जी। अभी लो सर। लीजिए ना, लो प्लीज। थैंक यू। हाँ जी। हेलो
हाँ जी राय साहब, हाँ साहब एसएसपी साहब बात करेंगे। हाँ जी सर राय साहब। हाँ जी राय साहब, क्या हालचाल है? सब मेरे जी, सत श्री अकाल जी। वो चावलों के साथ सामान पहुंच गया था ना? ओ जी क्या क्वालिटी थी आपके चावलों की। अच्छा जी अच्छा, मेहरबानी जी। हुकुम। हम चाहते हैं कि आपके चावलों की पब्लिसिटी अपने इलाके में अच्छी तरह करवा दें। लो जी लो, हमारे तो लोकल मार्केट वाले चावल ही नहीं जी, हम तो बाहर भेजते एक्सपोर्ट करते हैं। पर राय साहब जाता तो यहीं से है ना, यहाँ के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमारे इलाके से चावल एक्सपोर्ट होता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, बहुत बेहतर जी। हाँ हुकुम हुकुम करो जी। हम एक राय साहब फंक्शन करवा रहे हैं पुलिस वेलफेयर के लिए। वेरी गुड जी वेरी गुड, बहुत नेक काम कर रहे हो जी। मैं सोच रहा था आप इसे स्पॉन्सर करवा लें। अच्छा, स्टेज के पीछे आपके बैनर वैनर लगवा देंगे। आप बैनर आगे लगवा या पीछे से हमें क्या, आप बस हुक्म करो कि जेब कितनी ढीली करनी है। उस ज्यादा नहीं जी, आपके जिम्मे सिर्फ लाख रुपया। अच्छा, और कलाकारों के ड्रेसेस। अच्छा अच्छा, और खाने छाने का इंतजाम किसी और से करवा लेंगे, फिक्र ना करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बेहतर जी। हाँ जी ओके जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, सोमवार ठीक रहेगा जी, नो प्रॉब्लम सर। सोमवार आपके पास राय साहब का कोई ना कोई आदमी पहुंच जाएगा। ठीक है जी, अच्छा मैं चलती हूँ। आप कैसे आए थे? मैं रिक्शा से आई थी। मैं आपको छोड़ देता हूँ। जनाब आपकी 3:30 बजे मीटिंग है जी। कोई बात नहीं, मीटिंग फिर हो जाएगी, ऐसी कौन सी जल्दी है? देख लो सर, आपने खुद ही क्या बुलाई थी कि बहुत जरूरी है। आप मेरी फिक्र ना कीजिए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। सत श्री अकाल। तुम लोगों को यह नहीं पता कि औरत की प्रेजेंस में बात कैसे करते हैं। मीटिंग मीटिंग का शोर मचा दिया, बुलाओ मीटिंग। चलो बाहर निकलो तुम। आप नहीं जी, आप आइए प्लीज, गो टू योर क्लासेस नाउ। कहिए। मुझे इंदर जी ने भेजा है जी। अच्छा अच्छा, ड्रेसेस के लिए? जी हाँ। बैठिए। थैंक यू। माइंड दिस चेयर, इस कुर्सी में से कील बाहर निकली हुई है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो कारपेंटर कर देगा। आप साथ वाली कुर्सी पे बैठिए ना। ओह थैंक यू। आप इंदर जी के? मैं उनका छोटा भाई हूँ। विकी। आई सी। रामलाल जी, ऐसा करो किरण मैडम को क्लास से बुला के लाओ जल्दी। जी मुझे इंदर भैया ने भेजा है जी कि प्रिंसिपल मैडम से पता करके आओ कि क्या क्या इंतजाम करने हैं। अच्छा। मैडम आपने मुझे बुलाया? किरण ये है मिस्टर विकी, विकी ये है किरण, हमारी ड्रामेटिक सी इंचार्ज। जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ इनको। किरण तुम जानती हो इन्हें पहले से? नहीं मैडम, मैं नहीं जानती इनको। मैडम मैंने पता नहीं सुबह क्या खा लिया, सभी लड़कियां एक जैसी लग रही हैं। तुम ऐसा करो वो ड्रेसेस की रिक्वायरमेंट इन्हें दे दो। मैडम मैंने ड्रेसेस के बारे में बता देती हूँ, आप चंडीगढ़ से ले आओ, लेकिन जो हमारा डांस है ना वो पंजाबी किस्म का। देखो जी मुझे दरअसल डांस ड्रामे के बारे में कुछ पता नहीं, मैं तो अगर कोई साथ चले तो मतलब ड्रेसेस दिलवा सकता हूँ। किरण तुम चली जाओ इनके साथ चंडीगढ़। मैडम मैं इनके साथ, टाइम देख लो। टाइम अभी तो 10 ही बजे हैं, आप लोग आराम से 2-3 बजे तक वापस आ सकते हो। एनी प्रॉब्लम? नो मैडम, ठीक है मैं चली जाती हूँ। ओके मैडम चलते हैं। ओके। देखो जी आज बसों की हड़ताल तो नहीं, फिर भी आपको मेरे साथ बैठ के जाना पड़ रहा है। मजबूरी है जी। प्रिंसिपल मैडम ने फंसा दिया, नहीं तो मैं तो नहीं जाती। पकड़ लेती हूँ,
ब्लू वाले सूट से ये दुपट्टा मैच कर जाएगा, है ना? आप क्यों ये ड्रेसेस ट्राई कर रही हैं? आप जो भी पहनेंगी आप पे जज जाएगा। अच्छा आप तुम भी अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि हमें अपने डांस के लिए एक सोने से लंबे लड़के की जरूरत है। पर मुझे तो जी गाना नहीं आता। वहाँ कौन सा तुमने गाना है? तुमने तो सिर्फ मुंह हिलाना है, गाना तो पीछे सिंगर ने है। पर मैं मतलब कोई बात नहीं, सब आ जाएगा। चलो 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 चलो, सब आ जाएगा। अखबार वाले भी कितने शैतान होते हैं जी। फंक्शन के बारे में एक लाइन नहीं लिखी और इतनी मोटी सुर्खी में लिख दिया कि एसएसपी ने प्रिंसिपल को छेड़ा और प्रिंसिपल मुकदमा करेगी, है जी। पर तुम इतना मजा लेकर को पढ़ रहे हो भाई। सर बात ही बहुत मजेदार है। शट अप जनाब, ये सब कसूर तेरा है जी। उस दिन कैंपा कोलो में मिला के तीन मोटे मोटे पैक पिला दिए। सर मैं तो दो ही लाया था जी, तीसरा तो आपने खुद मंगवाया। ओ शर्म कर ओए। मैं जी अब
इससे पहले की बात बढ़ जाए प्रिंसिपल के पास जाओ और मेरे बिहाफ पे माफी मांग के आओ। नॉनसेंस। हाय। जी कहिए। अब क्या कहें? हाँ जी। मेरा मतलब प्रिंसिपल साहब का कमरा किधर होगा? वो सामने इतना बड़ा बोर्ड लगा है, आपको पढ़ना नहीं आता? ऐसी बात नहीं जी, पढ़ तो लेते थोड़ा बहुत, पर जो पूछने में मजा वो पढ़ने में कहाँ। सॉरी। मैं कमिंग जी। नमस्कार मैडम, मैं जी एसएसपी साहब के बिहाफ पे माफी मांगने आया था जी। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? औरत की समाज में इज्जत ही क्या है? नहीं जी नहीं, एसएसपी साहब तो औरतों की इज्जत ही बहुत करते हैं, वो तो आपने उन्हें मौका नहीं दिया मैडम जी। हैं जी? क्या मतलब? अब मेरा मतलब मैडम, आप उन्हें एक माफी मांगने का मौका तो दो जी। वैसे तो उन्होंने आप आना था माफी मांगने के लिए, पर उनका गला ठीक नहीं था। जब उन्हें कचहरी में सफाई पेश करनी पड़ी ना, गरारे तो एसएसपी साहब आप करके आएंगे। मैडम क्या रखा है कोर्ट कचहरी के चक्कर में, आप भी इज्जतदार हैं और एसएसपी साहब भी इज्जतदार आदमी है जी। एसएसपी होने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमानी करते फिरे। ओ ना ना मैडम, एसएसपी साहब तो बहुत नेक दिल इंसान है जी, बस उनका कसूर सिर्फ इतना है कि 2-3 पैग पीकर वो अपने आप को डीजीपी समझने लगते हैं। डीजीपी? हाँ जी। मैं भी उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अपने आप को हवलदार भी नहीं समझेंगे। मैडम बात समझने की कोशिश करें जी। मैं बात समझी हुई हूँ, आप जा सकते हैं, मेरी क्लास का टाइम हो गया। लगता है क्लास तो अब एसएसपी साहब की लगेगी। बड़े अफसोस की बात है तुमने एसएसपी होकर स्कूल के प्रिंसिपल को छेड़ा। सर मेरी उम्र अब स्कूल की लड़कियां छेड़ने की तो है नहीं सर। क्या मतलब? मेरा मतलब सर, आई एम सॉरी सर। सरकार ने तुम्हें वर्दी इसलिए पहनाई है कि तुम जनता की हिफाजत करो, पर तुम्हारे जैसे अफसरों ने इस महकमे का नाम बदनाम कर दिया। गैर जिम्मेदार काम तुम करते हो और नजरें हमें झुकानी पड़ती हैं। आई एम सॉरी सर। सॉरी नहीं, जिस दिन मेरा बस चला ना, तुम्हारे जैसे अफसर से जेल में चक्की पिसवाऊंगा। मैं माफी चाहता हूँ सर। माफी जाके तुम प्रिंसिपल से मांगो, अगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया देन यू विल हैव टू रिजाइन। यू मे गो नाउ। सर सर प्रिंसिपल तो बहुत ढीठ निकली जी, वो कहती मैंने तो एसएसपी साहब को कचहरी में घसीटना ही घसीटना। ओ यार ये औरतों का मामला बड़ा कुत्ता होता, एक बार किसी के पीछे पड़ जाए ना तो ये सस्पेंड करवा के रहती हैं। सरकार आपका तो रिकॉर्ड पहले ही बड़ा खराब है जी। और देखो अगर ये केस ना सुलझवाया तो अपना भी रिकॉर्ड खराब ही समझ। सर मैं तो पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ जी, अब वो नहीं मानती, आप कहें तो उसके पर्स में आधा किलो भीम रखा के उसे अंदर करा दें। ओहो लेडीज के पर्स में भीम, मानेगा कौन, अपने दिमाग से काम ले। सर दिमाग तो फिर अफसरों का ही होता जी। एक आइडिया यार। क्या सर? ऐसे करते हैं, वो आगे देख। अलग रंजन। ओ आगे गाड़ी पीछे इंजन। खुले पैसे नहीं है बाबा जी, फिर किसी दिन आना। पुलिस को पैसों की क्या कमी? मेरा मतलब लक्ष्मी तो संतों के पाँव में रहती है बाली के। संतों को ठंडा पानी पिला बच्चा, रब भली करेगा। पानी लो पियो बाबा जी। संतों को पौधों वाला पानी, तेरी तो किस्मत ही सड़ गई है। किस्मत में मुकदमे बाजी और कचहरियों के चक्कर दिखाई दे रहे हैं बाली के। आपको कैसे पता बाबा जी? अखबारों से। क्या मतलब? मतलब ये कि जो अखबार वालों को भी पता नहीं होता वो संतों को पहले से पता होता है बच्चा। लगता है बाबा जानी जाने। बाबा जी एक मिनट आइए, बाबा जी प्लीज आइए आइए, यहाँ बैठिए बाबा जी। मेरा हाथ देख के बताइए कि जिस एसएससी पर मैं मुकदमा करने वाली हूँ वो मैं जीतूंगी कि नहीं। मुकदमा तुम तब जीतोगे अगर तुम्हें कचहरी पहुँचने देंगे। क्या मतलब? बाबा का मतलब ये है कि तेरे ग्रह इतने बुरे हैं कि कचहरी पहुँचने से पहले ही तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा बच्चा। वैसे भी मुकदमों में क्या रखा है बालिके, रब तो प्यार मोहब्बत में बसता है। एसएसपी से मुकदमे नहीं, प्यार मोहब्बत करो। मोहब्बत उस कुत्ते से? तूने मुझे कुत्ता कहा? बाबा जी कुत्ता एसएसपी को कहे, आप तो बाबा हो। बाबा दरअसल प्रेम के पुजारी हैं, जब भी कोई किसी को गाली देता है लगता है गाली उन्हें दी गई है। बाबा जी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। यही गुस्सा तुम्हें ले डूबेगा बाली के, अगर 15 दिन के अंदर अंदर मुकदमा वापस ना लिया तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। आने वाले 6 महीनों के अंदर किसी से दुश्मनी नहीं लेनी, बल्कि पुराने दुश्मनों को भी मित्र बनाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है महाराज। उठो बच्चा, हमारा दारू का टाइम हो गया है जी। दारू दवा दारू का टाइम हो गया, बाबा जी बीमार बहुत रहते हैं। प्रिंसिपल वाली बात तो बन गई लगती है। मुबारक जनाब। लेट्स गो। इधर सर।
हवलदार, आजकल साधु बड़े घूम रहे हैं, लगता है शहर में कोई संत सम्मेलन है। जनाब मुझे तो किसी बच्चा उठाने वाले गिरोह से जुड़े लगते हैं। मुझे तो पहली शक है इनकी चाल पे। फिर करें पीछा, चलो। भाई ये जगह अच्छी लगती है, कपड़े यहीं चेंज कर लें। ओ हाँ जी, ऐसे किसी ने पहचान लिया तो कहीं फंसी ना जाएं। और देखा मेरा शक ठीक निकला ना। जनाब फिर क्या हुक्म है? कर दो अंदर, बना दो बंदर। मारे गए। बाबा जी कहाँ चले? दर्शन बलाशी तो यहाँ खड़े हैं। पोजीशन खराब सी हो रही है। निकल चलो जी। चले किधर थे? वो जरा सम्मेलन में जाने की जल्दी थी। सम्मेलन में जा रहे थे या बच्चे उठाने जा रहे थे? ये तो थाने जाके पता चलेगा जब लटकाएंगे उल्टे। बच्चा संतों को उल्टा लटकाएगा इनको? और ये तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। कहां तक पहुंचे हुए हैं? वही इनकी पहुंच तो एसएसपी तक है। वो एसएसपी कोई बंदा है? महाक्रप्ट आदमी है। 50,000 रुपए खिला के उस तक तो कोई भी पहुंच सकता है, और एसएसपी का नाम लेके मुझे धमकियां दे रहा है। यूं ना कर बच्चा, सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड होने से कौन डरता है? 50,000 देके बदली करवाई थी, 1,00,000 रुपए देके बहाल हो जाएंगे। ठीक है, फिर 1,00,000 रुपए लेके एसएसपी के दफ्तर पहुंच जाना। क्यों? क्योंकि एसएसपी जसपाल भट्टी मैं ही हूँ। टाइगर 2441 गाड़ी लेके पीपल के पास पहुंचो। लगता है लोगों को पढ़ने भेजते भेजते आज आप ही पढ़ने लग गए। बजाज जी, वो शिप लोडिंग का क्या हुआ? सर हमारा माल 7 दिन हो गए मुंबई शिपयार्ड में पड़ा है, लोड ही नहीं हो रहा। त्रिलोकनाथ का माल तो कभी नहीं रुका? सर त्रिलोक शिपिंग मिनिस्टर का जमाई है, उसका माल कैसे रुक सकता है? What a stupid logic you are giving. किसी भी हाल में हमारा माल दुबई पहुंचना चाहिए। Yes, ये कोई दलील है? No, sir. क्या हुआ भाई, तबीयत खराब है क्या? नमस्ते साहब जी। हाँ? 2 दिन से बुखार चढ़ा हुआ जी। छुट्टी लेके आराम क्यों नहीं करता? छुट्टी मांगी थी पर छुट्टी मिली नहीं। सर अगर ऐसे इन्हें छुट्टियां देने लगे तो इनकी आदत खराब हो जाएगी। डोंट बी सिली, वर्कर बीमार है तो छुट्टी क्यों नहीं देते? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वर्कर की सेहत फैक्ट्री की सेहत है। राइट सर। ऐसा कोई काम ना हो जैसे हमें नजर चुकानी पड़े। ठीक है सर। अब जाओ, दवाई लो और आराम करो। ठीक है? ठीक है जी। शाबाश। सनी, सनी 7 बज के तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब बहानेबाजी है, रोज कोई ना कोई बहाना करके बैठ जाता है। इसका माथा गर्म है थोड़ा, आज स्कूल ना जाए तो ही ठीक है। मम्मी तुमने इसकी आदतें खराब कर रही हो। जा आराम कर, मैं जानती हूँ इन बच्चों को। अच्छा मैं चलती हूँ। आ गए, लग गया फोन कनेडा। जीते भाई साहब से बात हो गई? फोन किया तो था पर जीता भाई से मिलते ही नहीं। अब वो तुम्हें क्यों मिलने लगे? वो सारी जमीन अपनी कंपनी के नाम लगवा चुके हैं। पता नहीं उस दिन क्या सोचकर आपने बगैर पढ़े ही दस्तखत कर दिए थे। मैंने तो ये सोचकर जमीन उसके नाम की थी, मेरा भाई है, अपने इलाके में फैक्ट्री लगाएगा, मेरा भी कुछ हिस्सा होगा, कोई 4 पैसे बचेंगे तो बच्चों को मिल जाएंगे। वो तो एक साजिश थी हमारी जमीन हड़पने की। बड़ा भरोसा था ना अपने भाई पर, अब भुगतो।